अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी सेवैयों का ज़रदा, जिसके लिए मेरे पास ये एक पैकेट सेवैयां हैं और एक गिलास इसका शीरा बनेगा। ये दूध है मेरे पास, एक प्याली चीनी जाएगी इसमें, थोड़ा सा ज़रदा कलर है, पिस्ते बादाम हैं, ये 2 टेबलस्पून मेरे पास घी है, 4-5 इलायची है और 1.5 पाव मेरे पास खोया है। ये देखिए, ये वाला एक पैकेट मैंने लिया है सेवैयों का, ये आपको दिखाने के लिए मैंने रखा था। इनको बिल्कुल बारीक इस तरह आप तोड़ लें। तो सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे, इसमें घी डालेंगे, साथ ही इसके इलायची डाल दें। इलायची को थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू इसकी आएगी। फिर इसमें सेवैयां डाल देंगे। ऑयल घी गर्म हो चुका है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से, ये जलने नहीं चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आप हल्का सा फ्राई करें, चम्मच चलाते रहें ताकि जले नहीं। ये जब अच्छी से इससे खुशबू आए तो आप फ्लेम को ऑफ करके सेवैयों को निकाल लें। लोग ईद पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये बनती हैं सेवैयां और झटपट बन जाती हैं। प्लीज़ नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए देखें, खुशबू आ रही है और ये फ्राई हो चुकी हैं। अभी मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में। चले अभी ये देखें, सेवैयों को मैंने निकाल लिया है और अभी इसमें जाएगा दूध। इसके साथ ही चीनी डाल देंगे, कलर इसको मिक्स करेंगे। जैसे चीनी मेल्ट होती है इसका शीरा बनेगा, तो इसमें सेवैयां जाएंगी। मेल्ट हो चुकी है, अभी मैं इसमें सेवैयां डाल रही हूँ। फ्लेम को थोड़ा कम रखें और ये इसमें इसी के साथ खोया भी डाल देंगे। देखें, ये खोया भी सारा इसी में जाएगा, के साथ ये पिसा हुआ खोपरा है मेरे पास, ये डाल दें। ये 1/2 कप था मेरे पास, वो डाला मैंने इसमें। चलिए ये देखिए, इसमें खोया और पिसा हुआ खोपरा भी मिक्स कर दिया है मैंने, और दूध इसका देखें सारा ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पिस्ता बादाम अभी जाएगा इसमें, बाकी ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए। ये देखिए कितनी जल्दी ये सेवैयां तैयार हुई हैं, झटपट, मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा।
ये ज़रा चेक करें, देखें आप बिल्कुल तैयार हैं सेवैयाँ। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, डिश आउट करती हूँ। तो चलिए देखें सेवैयाँ का ज़रदा तैयार है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।